भाजपा नेता प्रीतम सिंह लोधी द्वारा दंगल का हुआ आयोजन। दंगल पिछोर विधानसभा क्षेत्र के करारखेड़ा गांव के कमलेश्वर स्टेडियम में कराया गया। इस दंगल में मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं कई राज्यों के पहलवानों ने हिस्सा लिया। ब्रांड एम्बेसडर महिला पहलवान रानी राणा भी इस दंगल में उपस्थित रही। दंगल में सभी पहलवानों ने दर्शकों को कुश्ती के दाव पेच दिखाए। इस दंगल को देखने के लिए आसपास के क्षेत्र की जनता भी कमलेश्वर स्टेडियम पहुंची। दंगल में भाजपा के तमाम नेता भी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन भी चौकस व्यवस्था देखने को मिली। दंगल की शुरुआत में डीएसपी प्रशांत शर्मा ने पहलवानों का हाथ मिलाकर कुश्ती शुरू कराई। आयोजनकर्ता प्रीतम सिंह लोधी ने बताया कि क्षेत्रवासियों को अगर दंगल पसंद आया तो हर वर्ष बड़े स्तर पर दंगल का आयोजन किया जाएगा। भैया, आपके द्वारा ये कमलेश्वर स्टेडियम में ये दंगल का आयोजन किया जा रहा है, इसमें कहाँ कहाँ के पहलवान हैं और ये आयोजन किस वजह से किया जा रहा है? ये पहला दंगल है इस धरती पर। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और अपने मथुरा वृंदावन के पहलवान हैं, अपने पंजाब के पहलवान हैं, बहुत दूर दूर के पहलवान आए हैं यहाँ पर, राजस्थान के पहलवान हैं, अपनी रानी राणा जी आई हुई हैं जो पूरे देश की बहुत बड़ी पहलवान है। यहाँ के लोगों को रानी राणा जैसी पहलवान देखने को मिल रही है। देखिए, रानी राणा को हमारी सरकार ने, हमारे देश की सरकार ने मध्य प्रदेश का एम्बेसडर बनाया है उसे। तो फर्स्ट प्राइज क्या रखा गया भाई? फर्स्ट प्राइज 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये और अगर जनता की मांग होगी और भी बढ़ाया जाएगा। अच्छा, ये आयोजन पहली बार हो रहा है, आगे भी ऐसे आयोजन करते रहेंगे? ये पिछोर की जनता तय करती है। अगर वास्तव में ही पिछोर की जनता इसको चाहती है तो आगे आयोजन नहीं, ये देश का सबसे बड़ा दंगल होगा पिछोर के अंदर। धन्यवाद।